एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1,000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसके पागलपन, उसकी जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनके जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहां तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके स्पीच पे खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिता कर ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल 6 हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1,000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1,000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना। और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1,000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल्स की चैन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है। और फिर ये एबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और वीडियो को शेयर प्लीज कर देना यार, मुझे खुशी मिलती है। और हाँ यार, अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आती है, उसको प्लीज ऑन कर लेना। और बस, आपने वीडियो देखी, मुझे बहुत ही खुशी हुई, ऐसे ही देखते रहा करो।